अरे यार, इस पानी में तो पैर डालने का मन कर गया भाई। वाटर क्रॉसिंग है और बगल से इतनी बढ़िया नदी बह रही है यार। जैकेट और भाई कुछ भेड़ा इंजन में तेजी से। वो इंजन ही बिल्कुल बी माइनस। बहुत सारे हाइनेस ओनर्स मिले हैं, राइडर्स सबके साथ अब राइड लगेगी। फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता भैया। यार वेस्ट बंगाल से मेरे को इतना सपोर्ट और प्यार मिलता है ना। क्या सुंदर लग रही है यार। हमारा भरोसा, सालों का भरोसे का प्रतीक विनय गुड मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुमूर नुब्रा वैली। टाइम हो गया सुबह का, घड़ी नहीं बांध रखी बट बता देते हैं 7। भाई बढ़िया नींद आई रात में अपने कैंप में, भाई लोग उठे कि नहीं उठे? विनय सीजे ब्रो, आर यू गाइस अप और स्लीपिंग? मौसम ठीक ठीक है यार, बहुत बिल्कुल ज्यादा ठंड नहीं है, अच्छी अच्छी ठंड है, बेहतरीन। कल रात में मस्त पार्टी वार्टी हुई। ये जो है इस कैंप जो है इसका वैली ऑफ फ्लावर कैंप का मेस है, कैंटीन। रूम्स यार बहुत ही अच्छे हैं, जो कैंप्स हैं रूम्स नहीं कैंप्स, टेंट्स। खाना भी बहुत अच्छा था, डिनर, और इसमें ना डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो आज हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और ये देखो अपनी बाइक की हालत भाई, ये देखो पेट्रोल वाला वो मैंने ऐसे बांध लिया है, सही लग रहा है ना? सीजे भाई ने बोला इसको इस तरीके से सही से फिट कर लो, तो देखो ये बिल्कुल अच्छे से सेट है। इसमें 5.5 लीटर के अराउंड पेट्रोल है, तो हमारे पास टोटल 5.5, 6, 11.5 और 11, तो 22-23 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल है, तो काम चलेगा अगले 1-2 दिनों में, जब जरूरत आएगी तो काम निपटा लेंगे। 3 दिन से बाइक साफ कर रहा हूँ, रोज 2 घंटे में गंदी हो जाती, तो आज अभी पैंगोंग्स हो जाएंगे तो फिर गंदी हो जानी, तो या पैंगोंग्स हो मजे आएंगे। अरे विनय बाबू हीरो लग रहा है बिल्कुल, आ जाओ। अरे यार ये सही समय पर आए हम लोग। हाँ जी बिल्कुल लगाओ सर जी। सैंडविच एंड बटर सैंडविच, ओके, छोला पूरी। अरे मजे आ गए बस। हाँ ठीक है, आंखों में चमक आ गई पूरी देर से। पूरी सुनते ही वो सब नज़ारे छोड़ के आ गया सीधा, यहाँ पूरी मिलेगी आज भाई। पूरी छोले पूरी और हम छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विनय की सीट है भैया, रुमाल रख दी विनय ने अपनी। अभी अभी हमने देखा कि विनय की बाइक में बहुत कम हवा रह गई है, तो किसी पंक्चर वाली दुकान में सिल के भी दिखाएंगे आगे, करने को हम खुद भी कर सकते हैं, बट यार आज मैं लेट नहीं हो ना, टाइम ऑलरेडी कितना हो गया, अरे भैया 8:43, वैसे मैं 8:30 निकलना था। चलो भाई दिन की शुरुआत बजरंग बली के नाम के साथ, जय बजरंग बली। अब कहाँ आना, लेफ्ट राइट? लेफ्ट। चलो भाई टूवर्ड्स पैंगोंग लेक। अबे तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही बाइक चलाने में विनय? हो रही है ना, पीछे से दिख रहा है कि हवा बहुत कम है। पानी पानी सुबह सुबह इतना पानी, कैसे निकलेंगे? झूले झूले, करवट कट गया। यहाँ रोड है बट ऐसा दिखा रखा है कि रोड बिल्कुल पानी ही पानी है। वो देखो भाई बगल में चला गया, उसको लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा रिस्क है। हमारे विनय ने कल ही टेस्ट कर लिया था, इसको कुछ नहीं है, इसमें टेस्टेड ओके। स्टिकर लग चुका है इस वाले वाटर क्रॉसिंग में, वो बेचारे दोनों वहीं खड़े हैं अभी भी। ओ भाई सुबह उठते ही सोचो आपको ऐसे नज़ारे मिले, क्या बात, किसका सारा दिल्ली जाने का मन करेगा, वो भी गर्मी में। अरे याद नहीं करते, अरे छोड़ो दिल्ली का नाम नहीं लेंगे अगले 8 दिन। तो भाई अभी हम आ गए ब्रिज पे, यहाँ विनय बाबू की बाइक का पंक्चर जो है हम ठीक कराएंगे।
कहाँ है पंक्चर वाला? वो तो पेट्रोल पंप ही आ गया मेरे को लग रहा है। तो भाई भराते हैं पेट्रोल। अरे तेरी यार विनय, काफ़ी लंबी लाइन है यार, 3-4 लीटर पेट्रोल के लिए हम लोग इतना मारा मारी करेंगे। सीजे भाई क्या विचार है आपका? हाँ ठीक है, तुम पंक्चर भरवाओ करवाओ, तब तक हम अगर कर पाए तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई यहाँ तो ऐसी फील आ रही ना जैसे बाइकों की मंडी में आ गए हैं, कोई थोक के भाव बिक रहे हैं बाइक किलो भर। ये लो बाइक, कई बाइक सब हिमालयन रॉयल इनफील्ड। तो भैया पेट्रोल भरा लिया, लड़ाई झगड़ा करते हुए पिलम पिलाई हो गई। विनय का टायर बिल्कुल चकाचक हो गया। कितने पंचर निकले विनय? एक पंचर। ये देखो भाई, अरे यार इस पानी में तो पैर डालने का मन कर गया भाई। वाटर क्रॉसिंग है और बगल से इतनी बढ़िया नदी बह रही है यार, देख रहे हो क्या सुंदर पानी है। हाँ ऐसा लग रहा है चेयर डाल के बढ़िया और बैठो यहीं, बेहतरीन यार। भाई अभी यहाँ रुके 2 मिनट के लिए, क्या सही व्यू है चारों तरफ, बिल्कुल बेहतरीन। और हमने आप बहुत बेहतरीन फोटोज खिंचाई अपनी बाइक की और अपनी। और ये है हम जिनकी सांसें फूल चुके हैं। अरे भैया, अरे मालिक दद्दा दीदी, दिल्ली से आया भाई? हाँ है तो लोकल, जैसे चला रहा है उससे पता लग रहा है। ओ भाई मस्त चला रहा है यार, सही है। ओ भाई क्या सड़क आ गई बेहतरीन। अरे विनय बाबू, वो जुम्बा जुम्बा जुम्बा। अरे अल्लाह बेटा विनीत, हट हट हट। ओ भाई अब आइए कोई बढ़िया वाली वाटर क्रॉसिंग। बीच में पत्थर है देख के। ओ ओ ओ ओ, ओ फ्लो तेज है भाई पानी का। अरे यार भाई ये तो हद है यार। अरे देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, साला पैर रखवाना पड़ गया पानी में। एक से एक लोग है भाई, बाइकरों का थोड़ा तो ध्यान रख लो यार। हमें हमारी गाड़ी में 4 पहिए नहीं है, पैर रखना पड़ता है नीचे। भाई अचानक से रास्ता हो गया खराब। ओए ओए ऑफ रोड गिट्टी गिट्टी। हाँ यार ऐसी जगहों पे बाइक बहुत ही फिसलती है यार। भाई साहब अब माहौल देखो बाइक्स का, इतनी बाइक्स हैं। और आगे मेरे एक वेस्ट बंगाल की CB 350 चल रही है, 2 जन जा रहे हैं। देखो परफॉर्मेंस बढ़िया है ना यार। हेलो आ जाओ चलते हैं। यस यस DRS हेलो। और ब्रो कैसे हो? बढ़िया। क्या बोल रहे हैं सर? और एक साथी आया आपका। हाँ फ्रूट तो बहुत भयंकर। थैंक यू लेकिन सही चला रहे हैं बंदे, ये मानना पड़ेगा। हाँ इतनी लोडेड है कि कोई लिमिट नहीं है। बढ़िया यार, देख रहे हो भाई हाइनेस आई है वेस्ट बंगाल से, हल्के मत लेना। तो भाई पिछले 1 किलोमीटर से ऐसा कमर तोड़ ऑफ रोड है कि मतलब बैंड बज गई हम लोगों की। ओए होए होए, अरे तेरी आगे देख रहे हो आप कैसा मस्त सा है यार। भाई बहुत तेज ढलान है, इस बार तो मैं इतना स्लो आऊँगा ना मेरी बाइक उछले ना यार, बस कल वाली हाल ना हो। मज़ा आ गया बिना लेकिन हालत ख़राब हो गई यार। जैकेट और भाई कुछ भेड़ा इंजन में तेज़ी से। वो इंजन ही बिल्कुल न्यूड है हमारा, न्यूड कुछ नहीं लगा उसमें। एक तो प्रॉब्लम पता है, रोड तो ख़राब है ही, ट्रैफिक इज़ द सेकेंड बिग प्रॉब्लम। और भाई
और गिर गई बुलेट इनकी, नहीं नहीं बच गई। लो भाई ऑफ रोड फिर से पेल दिया, दो बार गंदी तरीके पिलने के बाद भी हम बाज नहीं आ रहे। उस बार हमने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया ऑफ रोड करने के लिए रास्ता हमने। ओए 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 ये हिमालयन वाला भैया, ये वही सफ़ेद वाला है, मैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ। अरे ये जो पानी की स्टीम सी है ये ठीक है ना, निकल जाएगी ना। ओ तेरी, कहाँ से आए हो आप लोग? राइट राइट से निकलना है ना। तो भाई यहाँ हमारे सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं, एंड ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हेलो ब्रो। हाँ जी हाँ जी, हाय ब्रो, थैंक यू भैया। भाई बहुत ही प्यारे प्यारे हाइनेस ओनर्स मिले फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। यार वेस्ट बंगाल से मेरे को इतना सपोर्ट और प्यार मिलता है ना, क्या मज़े आ जाते हैं सुन के। थैंक यू भाई, थैंक यू वेस्ट बंगाल के लोग जितने भी प्यारे प्यारे हैं। चलें सीजे भाई। भाई थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है स्टार्ट, और ये तो यार गड़बड़ हो गई है। बारिश ना हो यार, नहीं तो गोप्रो खोलना पड़ेगा, और जो है क्योंकि गोप्रो में मीडिया माउंट लगा भैया, तो वाटर प्रूफ नहीं रहता फिर। हालांकि हल्की हल्की हो रही है, भी ज़्यादा नहीं हो रही है, बट हाँ हो रही है। ये देखो भाई बगल में जो बुलेट चल रही है ना, उसमें भाई लोगों ने अपने जूते बचाने के लिए ना पन्नियाँ बांध रखी हैं उसमें जूतों में। ये काम बिल्कुल नहीं करना है यार, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। सोचो अगर आपका पैर फिसल गया, जो कि फिसल ही जाएगा, पन्नी लगाने के बाद ग्रिप कहाँ बनेगी आपकी। क्या व्यू है यार यहाँ पे, देख रहे हो बेहतरीन। डरपोक रह गया 8 किलोमीटर, और आगे पीछे दोनों तरफ से देख लो भाई, दो दो गोप्रो लगा रखे। ओ भाई क्या सही व्यू है, फंटास्टिक। पानी देखो भाई, पानी ऐसा कैसे जवाबी कीर्तन होगा भैया? आप हमारा व्लॉग बनाओगे, हम आपका व्लॉग बनाएंगे। भाई क्या व्यू, हमने खड़ी कर दी बाइक यहाँ, चलते हैं जरा भाई। क्या नजारे बिने, क्या नजारे हैं, बहुत ही बढ़िया। पानी तो बहुत ही पास है ना, ठंडा एक्सपेक्टेड था, ठंडा होगा। मेरा तो वाटर प्रूफ है ना। अरे यार वो ना घुसो ले, वो क्या ये देखो, विनय विनय ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखा दी है, कुछ बनाया फुटेज। अरे बेचे मौज करती, जो प्लेट नीचे दबी इसमें नूडल्स थे, हम खा गए ठीक है। ये आ गए मोमोस, और ये आ गया तो गोगल ट्राई करना तो क्या बात नहीं, नहीं आप करो मैं फिर रिव्यू करता हूँ। बेहतरीन। ये देखो यार अब ये एरिया स्टार्ट हो गया ना, बगल में पूरा ग्रासलैंड टाइप का है, बीच में से इसके ना, अरे उछल गया मैं, बीच में से इसके ना बढ़िया पानी की वो बहती है स्ट्रीम, कितनी सुंदर दिखती है। अभी आपको आगे और अच्छा दिखाएंगे, ये देखो है ना क्या सही लग रही है, और बिल्कुल साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर। भाई आगे मौसम देख रहे हो आप, कैसा बादल बादल है, कि पहाड़ों का जो टिप है वो दिख ही नहीं रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है तूफान आ रखा है। ओ भाई बाइक एक तरफ को ही जा रही है, देख रहे हो, ओए 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 ओए, हर 10 मिनट में मौसम बदल जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ड्राई हो जाता है। ये देखो राइट पे पता नहीं किस चीज़ का धूल का गुब्बार उड़ रहा है, एकदम से माहौल ही बदल गया। देखो यहाँ से अच्छा रेत है, ये बालू टाइप की हवा चलती है तो पूरी बालू उड़ने लगती है, और ये सही है यार, पहाड़ों का अलग ही वो है। ये लो भैया फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, दिखी नहीं दिखी होगी,
वो दूर दिख रही है, दिख रही है विनीत। चलो चलते हैं सीजे भाई, बहुत ही प्यारी लग रही लेक दूर से। लेक क्या सुंदर दिख रही है। यो यो पैंगोंग सो, आज तो आज यार कुछ ज्यादा ही ब्लू दिख रही है विनीत ना। तो ये पेस है आपकी खिदमत में पैंगोंग सो लेक। Look at the view! Whoa! Whoa! What a lake! भाई ये देखो पैंगोंग लेक, क्या सुंदर लग रही है भाई लेक, बेहतरीन। ये देखो आपको जूम करके दिखाते हैं, क्या सुंदर लग रही है यार, बेहतरीन। नहीं नहीं दूसरा लगाना पड़ेगा, पूरा अंदर नहीं डालना है। तो यार अभी कुछ स्कॉर्पियो वाले जो भैया उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, उनके स्टेपनी में भी हवा नहीं थी, तो यार उनकी हवा भरवाई अभी, तो थोड़ा लेट हो गए। अभी हम जा रहे हैं मान, जैसे ना यहाँ पे पैंगोंग के किनारे किनारे बहुत सारे होम स्टेज और गांव है, जैसे ये पहला है पैंगोंग लेक व्यू, उसके बाद आगे मान है। क्या मेरी और हिम्मत नहीं पड़ रही है, ओ भाई यहाँ से आ रहा व्यू। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं मान के रास्ते पे। अब इसके आगे जो है सांगमिक, मान, मेराक और फिर उसके आगे चुसुल और हानले है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं रुकेंगे, एटलीस्ट मान तक जाएंगे। 35 किलोमीटर है और भाई साहब लेक। अरे यार ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें दिल्ली गुड़गांव के आसपास भी होनी चाहिए यार, मतलब ऐसा नहीं चलता यार, ये तो इतनी सुंदर। ऑल्दो आपको एक बात बताऊँ, यहाँ खड़े होना और यहाँ चलना फिरना इतना टफ है, इतनी तेज हवा चलती है जिसकी कोई लिमिट, सोचो मैंने हेलमेट नहीं उतारा है अभी तक, लेकिन यार नज़ारे ऐसे हैं कि आपका मन ही नहीं मानेगा बिना देखे। इस लेक ने तो भाई दिल जीत लिया यार, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सही चीज है ना ये, गजब यार। और रोड भी इतनी अच्छी बनाई है ना साइड में, परफेक्ट जिसको बोलते हैं। भाई साहब फैन बना दिया इस लेक ने, फैन बना दिया। The most beautiful piece of water body I have ever seen. ओह बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं भाई, प्यार प्यार से ले चलते हैं यहाँ पे। मान पहुंचने वाले हैं मान, कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा हार्स हैं, बट व्यू के आगे सब फेल है भाई। ये तो भाई क्रॉसिंग गहरी है, वाटर क्रॉसिंग। आई थिंक हमें हमारा होम स्टे मिल गया है, और सामने देखो सन से कितनी बढ़िया रेज आ रही है छन छन की, वाओ वाओ वाओ। यूपी 85 के लोग आए हुए हैं, चलो भाई लग गई पार्किंग, व्यू तो अच्छा है यहाँ से ना, यही ज्यादा पास है। तो कौन ले जा रहा बाइक वहाँ पे पानी में, हमारा भरोसा, सालों का भरोसे का प्रतीक विनय है ना, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया इसके ऊपर। सर मैं हेलमेट नहीं उतार सकता, मैं हेलमेट नहीं उतार सकता। झूले कौन बोलेगा, झूले क्या पढ़ रहे हो आप,
दिखाओ मेरे को जरा, दिखाओ ना। अरे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी तो, ये आपकी है? अरे वाह वेरी गुड। चीयर 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 टू चाय। हेलमेट तो उतारे हम। अभी देखो आपको खरगोश दिखाते हैं। चलेंगे क्योंकि अभी उनकी माता यहाँ आराम कर रही है, अगर ज्यादा तेज गए तो डर जाएगी। तो ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कर देख रहे हो भाई। अभी हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक, आवाज थोड़ी खराब आ रही होगी क्योंकि माइक नहीं लगाया मैंने। ये देखो पूरी तरीके से चुके हुए और बहुत दूर है यार। तो जी आपकी खिदमत में पेश है पैंगोंग लेक बिल्कुल पास से। We are again back to our PG. अरे ना APG नहीं, होम स्टे। ठीक ठीक है यार, बढ़िया भाई। क्या हम ऐसे ही खड़ी छोड़ के लेक पर भाग गए थे ना। अब हम अपने सामान निकाल के एक रूम में अंदर जाते हैं क्योंकि यहाँ जीरो दरदार में